पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर 1.5 करोड़ की लागत से गोंडा रेलवे स्टेशन का विस्तार करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने मार्च 2022 तक इसे पूरा करने की योजना तैयार की है। रानी बाजार स्थित पुराने माल गोदाम का स्वरूप बदलकर यहां 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। यहां से ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। रानी बाजार के लोगों के साथ आम यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। लखनऊ या गोरखपुर से आने जाने वाली ट्रेनों के आवागमन में बाधाएं दूर हो जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत गोंडा रेलवे स्टेशन को उपमंडलीय रेलवे का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में गोंडा रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पर गोंडा रेलवे यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग ना होने से दोनों प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। यार्ड में इंटरलॉकिंग का काम तेजी से कराया जा रहा है। उम्मीद है कि फरवरी माह तक कार्य पूरा हो जाएगा। इन प्लेटफॉर्मों पर ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। रेलवे विभाग ने बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर गोंडा रेलवे स्टेशन का विस्तार करते हुए रानी बाजार स्थित पुराने माल गोदाम का स्वरूप बदलकर यहां 1.5 करोड़ की लागत से 2 नए प्लेटफॉर्म 7 व 8 बनाकर एक नया स्टेशन बना रहा है। रेलवे विभाग के निर्माण इकाई के अधिकारियों के मुताबिक मार्च के अंत तक नया स्टेशन बन जाने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक नए स्टेशन के बन जाने पर यहां से मेमो डेमो व पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। मुख्यालय के मुख्य स्टेशन पर यात्रियों का भार कम होने के साथ ट्रेनों का संचालन सुरक्षित व नियमित रूप से हो सकेगा। प्लेटफॉर्म बनने से जनपदवासियों को रेल से यात्रा करने में आसानी और अच्छी सहूलियत मिलेगी, जबकि दूसरी तरफ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रानी बाजार क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा रेलवे यार्ड का तेजी से विकास करने में जुटा है। बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही सुरक्षा का लाभ देने के लिए बहुत जल्द इस माल गोदाम को एक नए स्टेशन में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।